पांच सबसे अच्छी स्ट्रेप थ्रॉट की दवा के बारे में, कि जिसमें होता यह है कि आपके गले में खराश जैसा फील होता है, आपको दर्द होता है और टॉन्सिल से ब्लड आता है। फिर उसके दूसरे हम सिम्टम्स देखें तो अचानक से आपको सॉर थ्रॉट जैसा फील होता है, फिर और जब भी आप कुछ खाना खाते हैं उसको स्वेलो करने का ट्राई करते हैं तो उसको निगलने में आपको काफी दर्द होता है, बिकॉज यहाँ पे सूजन हो जाती है, जो टॉन्सिल का जो रीजन होता है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है और आपको काफी दर्द भी होता है, और खाने को जो निगलने में आपको काफी दिक्कत आती है, दर्द होता है, इसी के कारण आपको बुखार जैसा फील होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर जो गले के जो ग्लैंड्स होती है, जो लिम्फ नोड्स होती है, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, आपकी भूख कम हो जाती है, हेडेक यानी कि सिर दर्द जैसा फील करते हैं और पेट में भी आपको दर्द होता है। दूसरे सिम्टम्स हम देखें तो काफी दर्द होता है आपको गले में, जिसको थ्रॉट पेन हम कहते हैं। फिर जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं वो लाल हो जाते हैं, साथ साथ वहाँ पे जो वो सूजन देखने को मिलती है, कई बार वहाँ पे व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये वाला व्हाइट कलर का पैचेस, तो ऐसे पैचेस बन जाते हैं व्हाइट कलर के, और वहाँ से कई बार पस भी बाहर आता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है। फिर छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं, इस तरह से ऊपर के भाग में भी ये लाल दाने जैसे बने हुए देखने को मिलते हैं। फिर लिम्फ नोड्स है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, सिर दर्द है या बुखार जैसा होता है, रात के शरीर के ऊपर रैसेस वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। तो स्ट्रेप थ्रॉट एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजोन्स करके जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं स्ट्रेप थ्रॉट के लिए। जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे जो आप डायग्राम में जो बैक्टीरिया देख रहे हैं उनको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो उनके इन्फेक्शन के कारण स्ट्रेप थ्रॉट की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये बैक्टीरिया किस तरह से फैलते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वो ड्रॉपलेट के थ्रू जो है वो फैलते हैं।